हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये पैटर्न दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, 2 में प्लस 2 किया तो कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 में प्लस 2 किया तो कितना हो जाएगा, 4 में प्लस 2 करेंगे तो 4 5 6 कितना हो गया 6। इस तरह से अब 6 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8, कितना होगा 8। इस तरह से 2 प्लस करते चले जाएंगे इसमें, ये इस पैटर्न को फिल करने के लिए। यहाँ पे 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमारा क्या है, 6 × 2, यानी कि 2 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार प्लस किया था 2 2 को तो कितना आया था 12। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 6 जो 2 हैं उनको और जो फिर 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 6 जा कितना होता है 12। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशन को, एडिशन तो लॉन्ग उसमें हो जाता है और अगर हमें इसे शॉर्ट में करना होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर सेम उसमें होता है तो। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9। यहाँ पे देखिए 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से हमने एडिशन कर लिया इसको, और इसी को ही हमें फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमें देखना है यहाँ पर जो ये 3 3 दिए हुए हैं इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये कितनी बार दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 3 हैं और हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से, ये 3 जो हमारा नंबर है उससे करना है। तो कितनी बार किया है 7 बार, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 3, तो 7 3 जा यानी 3 7 जा कितने हो गए 21। 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 + 4 कितना हो गया 20, 20 + 4 कितना हो गया 24, 24 + 4 कितना हो गया 28, 28 + 4 कितना हो गया 32, 32 + 4 कितना हो गया 36। तो इस तरह से तो हमने इसको प्लस कर लिया है, 4 4 4 प्लस करते चले गए सब में। अब हमें इसको करना है शॉर्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। हम 9 को, ये 4 को हमें कितनी बार प्लस किया था 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमने ऐसे 4 4 4 प्लस किया था, ऐसे करके 9 बार लिखा था। तो हमें उसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 9 × 4 किस नंबर से, जो ये 4 है और जितनी बार ये हमने इसको प्लस किया है, तो हमारा 9 हो गया। तो 4 9 जो कितना हो गया 36। इस तरह से हम कर लेंगे। 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 + 5 कितना हो गया 25, 25 + कितना हो गया 30,
थर्टी प्लस फाइव कितना हो गया, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस कितना हो गया, फोर्टी। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इस तरह से तो हमने प्लस कर लिया, अब हमें क्या करना है ये देखना है फिर कि ये कितने फाइव हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एट फाइव को हमने प्लस किया, और एट फाइव को प्लस करने के लिए हमने क्या किया था, हमने अलग अलग इसको प्लस किया था। और हमें अगर हमें इसे शॉर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, एट एट यानी कि आठ बार हमने किया था, एट बार रिवाइज हो रहा था ये, तो क्या इसमें क्या करना है, रिपीट हो रहा था एट बार। तो एट बार रिपीट होने के बाद तो इसको हमने क्या किया, एट मल्टीप्लाई बाय फाइव, जो नंबर है एट बार रिपीट हुआ तो इसको एट से हमने मल्टीप्लाई, एट में हमें मल्टीप्लाई करना है, और किस नंबर से, फाइव को, फाइव ही हो रहा था ना रिपीट, तो एट फाइव जा फाइव एट जा फोर्टी। इस तरह से टेन प्लस टेन ट्वेंटी, प्लस टेन थर्टी, थर्टी प्लस टेन फोर्टी, फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी, फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी, सिक्सटी प्लस टेन सेवेंटी। इस तरह से। तो अब हमें ये कितनी बार आया हमारा टेन टेन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन बार हमने इसको प्लस किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, सेवन मल्टीप्लाई बाय टेन, यानी टेन नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया सेवन बार, तो टेन सेवन जो सेवेंटी। इस तरह से हम इस पैटर्न को कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई और एडिशन से। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।